कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने पराली जलाने को लेकर कहा है कि आने वाले एक से दो सालों में प्रदेश में पराली का एक भी तिनका नहीं जलेगा और किसानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि किसान बखूबी जान चुके हैं कि फसल अवशेषों का प्रबंधन कैसे करें। वहीं सरकार किसानों को फसल प्रबंधन पर प्रति एकड़ 1,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी कर रही है और दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समय से दीपावली में ऐसी सरकार आई है जो हर विषय पर दूसरों पर केवल आरोप प्रत्यारोप लगाती है। दिल्ली में उस टाइम से एक ऐसी सरकार आई जो हर कमी के लिए, यानी कि अगर गलती उनकी है तो वो किसी ना किसी के जिम्मे लगाएंगे उस गलती को, ये गलती उसकी है। हर चीज में, कोई एक चीज में नहीं, हर चीज में है। आप तो देख लो, जब कोरोना भी था तो वो भी जो बाहर से प्रवासी मजदूर थे उनके जिम्मे लगा दिया था कोरोना भी, जबकि कोरोना सारी दुनिया में ही था, कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली में था तो सारी दुनिया में था और उन्होंने सारे जो प्रवासी थे वहाँ से निकाल के बाहर छोड़ दिया। तो ये तो स्टाइल है उनका, वो किसी चीज़ में कह सकें। अब जो घटनाएँ जो देखी गई है सेटेलाइट से, पंजाब की मारे से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, वैसा डबल डुबल नहीं है, कई गुना ज़्यादा है। लेकिन उन्हें दिल्ली के बारे में ना पंजाब के बारे में कुछ नहीं कहा अभी तक, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार में। अगर इससे पहले आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही केजरीवाल जी थे जो हरियाणा के आरोप लगाते हैं साथ पंजाब के प्रयोग में। तो मेरा मानना ही है कि ये आरोप प्रतिरोप लगाने की कोई चीज़ नहीं है, ये समाधान करने की। हमने समाधान किया, हमने प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि हमने 60% से भी ज़्यादा जो पराली जलाने की घट रही थी वो कम हैगी हमारे यहाँ। और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 2 साल में हरियाणा में कोई एक टिन का भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमने व्यवस्था कर दी इस प्रकार की। हम लोगों को इस प्रकार के इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उन पर 85% सब्सिडी दे रहे हैं।